वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पूर्व हरे वृक्ष काटने पर मुकदमा दर्ज। विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पूर्व एटा जनपद में अवैध कटान के चलते मुकदमा दर्ज। खेत में खड़े हरे पेड़ काट रहा था आरोपी। ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत। शिकायत के बाद हरकत में आए वन विभाग के अधिकारी, जब्त किए काटे गए हरे पेड़। संबंधित धाराओं में आरोपी पर मुकदमा हुआ दर्ज। अलीगंज तहसील के नगला कडरियान का है पूरा मामला, जहां पर्यावरण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ नए पौधे लगाने का प्रण लिया है। वहीं जनपद एटा में पेड़ कटान करने वाले लोग उनके मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पूर्व ऐसा ही एक मामला अलीगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला गडरियान में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति ने अवैध रूप से 4 हरे पेड़ों को काट लिया। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। मेरा नाम सुबेदार है, गड़रहीन नगरा के रहने वाले। रूपराम भी गड़रहीन नगरा के रहने वाले। पिता का नाम मोतीलाल है। ये हरे पेड़े काट रहे थे, हम लोगों ने इनसे मना करी, इनने नहीं मानी। तब हम लोग एसडीएम के पास गए और एसडीएम के पास जाकर हमने शिकायत करी। शिकायत करके उनने कहा लिख के दो। तब हमने अप्लीकेशन लिख के दी। तब एसडीएम साहब ने वन विभाग को लिख के दी। तब उन्होंने वन विभाग वालों ने मुकदमा कर दिया। वन विभाग अलीगंज के रेंज अधिकारी नाहर सिंह को ग्राम निवासी कृष्ण बाबू ने शिकायती पत्र सौंप कर बताया था कि क्षेत्र के ग्राम गड़िया नगला में 4 शीशम के पेड़ों को गांव निवासी रूपराम पुत्र मोती ने शीशम के पेड़ काट लिया। शिकायत के बाद हरकत में आए विभाग ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों को जब्त किया तथा आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत मिली 3/6/2019 को, जिसमें हमने शिकायत मिलने पर तुरंत मतलब विभाग के अपने कर्मचारियों को भेजा, अधिकारियों को, और उस पर जो भी 4/10 में कार्रवाई होती है उसे हमने करवाया। इसमें पेड़ काटने वाले हैं रूपराम सन ऑफ मोतीलाल, निवासी नगला गरजान और थाना रामपुर, राजा रामपुर, जिला एटा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हरे पेड़ बिल्कुल ही न काटे जाएं। अगर कोई आवश्यक है, जिनके लिए नियम बना दिए हैं, गवर्नमेंट ने, सूखे पेड़ हैं, उनका विधिवत अपना परमिट बनवाएं और जरूरत पड़ पेड़ कटवा सकते हैं। तो संदेश देना चाहेंगे, कल हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना है, इसमें अधिक से अधिक सम्मिलित होकर के अपना मतलब आगे संकल्प लें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 करोड़ पौधारोपण जो है इस वर्ष लक्ष्य रखा गया है, इस हाँ 22 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें और हर जनमानस का कर्तव्य है कि हर आदमी अपने मतलब कर्मों के द्वारा पेड़ लगाए। और अब की बार तो हमारे यहाँ वन विभाग से मतलब जो नर्सरियाँ हैं वन विभाग की, उनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पौध उगाई जा रही है और पौध तैयार हो रही हैं और पौध तैयार हो भी चुकी हैं कुछ है, जो अभी हमारे मतलब ये जुलाई शुरू से ही मतलब वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा। वन विभाग के रेंज अधिकारी नाहर सिंह का कहना है कि हरे पेड़ काटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एसडीएम प्रसाद ने भी कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा है कि जनता से मेरा अनुरोध है कि पेड़ काटने के बजाय अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास किया जाए, जिससे बढ़ते हुए तापमान से निजात मिले और जीवन असहाय होने से बचे। ये जानकारी में आया कि किसी व्यक्ति ने प्रतिबंधित श्रेणी के वृक्षों का पातन किया, पेड़ काटा, तो प्रतिबंधित श्रेणी के वृक्ष पातन करने से पूर्व संबंधित विभाग अर्थात वन विभाग की अनुमति आवश्यक होती है। तो अनुमति लिए बिना उन्होंने, ऐसा जानकारी में आया है कि अनुमति लिए बिना वृक्ष काटा है, तो उसमें वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पर्यावरण दिवस में मेरा संदेश यही है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। टेम्परेचर पृथ्वी का रोजाना बढ़ता ही जा रहा है और अब तो 45 के आसपास पहुंच गया है, तो वृक्षों की जितनी संख्या कम होती जाएगी उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जीवन उतना असह्य हो जाएगा टेम्परेचर। तो अधिक से अधिक वृक्ष लोग लगाएं, जो वृक्ष लगे हैं उनका पालन पोषण भी भली भांति हो, और इस अवसर पर लोग ये संकल्प लें कि हर आदमी अगर एक पौधा लगाता है तो जितनी पॉपुलेशन है उतने पौधे एक साल में लग जाएंगे, परंतु आवश्यक ये भी है कि जो वृक्ष लगे उनका भली भांति पोषण हो, वो सुरक्षित रहे, वो सर्वाइव करे। एटा से टाइम सिटी न्यूज के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट।